हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो गाइस, आप सभी को पता होगा विशाल सर का 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए आज मैं उनका पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में ओनली हेयर और फेस को ही ड्रॉ करूँगा, और जो रेफरेंस है वो है ये वाला आउटलाइन। मैंने ग्रिड का यूज़ करके पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। तो गाइस, सबसे पहले जो पेंसिल मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो है आउटलाइन की पेंसिल, और जहाँ पर मुझे डिटेलिंग करना होगा उसके लिए मैं ये मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा, 0.3 mm मैकेनिकल पेंसिल, सॉरी 0.7, और फिर ये 0.3। और जहाँ पर भी मुझे हाईलाइट देना होगा उसके लिए मैं ये टॉम्बो 0 इरेजर का यूज़ कर लूँगा, इससे हम काफ़ी अच्छे से हाईलाइट दे सकते हैं। और फिर मैं कॉटन ब्रश यूज़ करूँगा, और फिर मैं यूज़ करूँगा ये मेकअप ब्रश, इससे हम बेस ले दे सकते और ब्लेंड भी कर सकते स्मूथ। और फिर मैं यूज़ करूँगा कॉटन से भी स्मूथ ब्लेंड हो जाता है। तो आज मैं कुछ इतने सारे मटेरियल का ही यूज़ करने वाला हूँ, कुछ इतने सारे तो इनका यूज़ करके मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखना। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम एक कोई से भी पतला सा हम एक पेपर ले लेंगे, और फिर उसके ऊपर हम जो डार्क पेंसिल है मैं यहाँ पर अप्सरा की यूज़ कर रहा हूँ उससे हम खींच देंगे, और फिर वहाँ पर जो ग्रेफाइट लग जाएगा उसको हम जो ब्रश है उसमें ले लेंगे। फिर ब्रश में जो ग्रेफाइट लग जाएगा उसी से हम फोरहेड पे एक बेस दे देंगे। तो देखो मैं किस तरीके से यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ब्रश में ग्रेफाइट लग गया है। जब मैं फोरहेड पे बेस दे दूँगा आप खुद ही देख लेना। तो सबसे पहले हर एक ड्राइंग की तरह मैं इसमें भी पहले बेस लेयर के लिए ब्रश का ही यूज़ कर रहा हूँ। आप पेंसिल से भी दे सकते हैं, आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसी से करना, क्योंकि मैं ब्रश से कंफर्टेबल हूँ मैं ब्रश से कर रहा हूँ। आप अगर पेंसिल से कंफर्टेबल हो तो आप पेंसिल से करना। तो गाइस, फोरहेड कंप्लीट हो चुका है। जब हम हेयर को ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है तब जो फोरहेड है उसमें हमें एक लेयर और देना होगा। फिलर के लिए फोरहेड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आता हूँ आई में। तो पहले मैं आई बॉल में शेड कर रखा था, तो उसको ऊपर मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया, थोड़ा बहुत हल्का सा डार्क किया, और फिर मैं आई के अराउंड जहाँ पर मुझे शेड देना होगा पावर में मैं ब्रश की हेल्प से दे दिया। फिर मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे डिटेलिंग करना होगा छोटा छोटा, और इस तरीके से मैं जिस तरीके का डार्कनेस मुझे चाहिए वो मैं रेफरेंस में देख लूँगा, फिर मैं ड्राइंग में भी वो डार्कनेस लाऊँगा। तो देखो मैं किस तरीके से लेयर बाय लेयर डार्क करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर उनका जो चश्मा है उसका जो डिज़ाइन है उसमें आपको थोड़ा सा वाइट थोड़ा सा ब्लैक इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो डार्क है उसको करने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर मैं पूरे जो फेस है उसमें पहले एक बेस ले दूँगा। तो जिस तरीके से मैंने फोरहेड पे बेस ले दिया था उसमें मैंने ब्रश का यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ, बट मुझे ब्रश ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा ब्रश का यूज़ करता हूँ, बट मैं दोनों से कर सकता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर पेंसिल से दिया हूँ। और फिर मतलब कि जो फेस है थोड़ा सा स्माइलिंग फेस है, तो इसलिए जो टैग वाला पार्ट था चिक्स पे तो उसको देना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसका जो रियलिस्टिकनेस है उसी से जो स्माइलिंग फेस है वो उभर के आता है। तो देखो आप ध्यान से किस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो अभी मैं जिस साइड में कर रहा हूँ इस साइड में हमें ज़्यादा डार्क करना होगा, क्योंकि इस साइड में लाइट थोड़ा सा कम आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो मैं किस तरीके से करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं उनका जो बियर्ड है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और बिल्कुल छोटे छोटे डॉट डॉट टाइप का है,
तो इसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ। आप नॉर्मल वुडन पेंसिल को ही शार्प करके यूज़ कर सकते। तो देखो मैं किस तरीके से ये ड्रॉ कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पर नीचे का जो बियर्ड है उसमें आपको हल्का हल्का स्ट्रोक्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि लाइन्स लगा के बियर्ड को ड्रॉ करना पड़ेगा। जो पहले था उसमें डॉट डॉट करके देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको हल्का हल्का स्ट्रोक्स दे के। तो गाइस जो फेस है वो कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है और अब मैं ड्रॉ करूँगा हेयर। तो सबसे पहले जिस तरीके का हेयर का डायरेक्शन है वो आप अच्छे से देख लो और फिर उस तरीके से मैं पेंसिल का स्ट्रोक्स अप्लाई करूँगा। तो देखो मैं किस तरीके से यहाँ पर पेंसिल का स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल। तो देखो किस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस स्ट्रोक्स का अप्लाई करने के बाद जितने भी पार्ट को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है इसको मैं पहले ब्लेंड कर देता हूँ। और आप देख सकते जब मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ ये कितना ज़्यादा डार्क बन रहा है। तो गाइस ब्लेंड करने के बाद आप यहाँ पर रेफरेंस में देख सकते जो ये वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा मैं और डार्क करना पड़ेगा। तो ये पर मैं दोबारा से सॉफ्ट चारकोल के यूज़ करके और एक लेयर अप्लाई कर दूंगा। तो गाइस डार्क करने के बाद ये पर आप रेफरेंस में देख सकते इस वाले पार्ट में हाईलाइट है तो इसको मैं टॉम्बो जीरो इरेज़र की मदद से जो हाईलाइट है उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो सेम प्रोसेस का रिपीट करके मैं पूरे हेयर को ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पर। तो गाइस इस सेट का जो हेयर है यहाँ पर ज्यादा हाईलाइट नहीं है तो यहाँ पर मैं जो स्ट्रोक से वहां पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं एक बार में ही पूरा डार्क कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप रेफरेंस देखो एक दो हेयर निकला हुआ है उसको मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके दे दूँगा। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।